सतरीकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम मैन, नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 एंड 62 के बारे में है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। तो बारे में जानने के लिए हम लोगों को सेक्शन 61, सेक्शन 62, 63 और भी कुछ सेक्शंस हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाली सेक्शन 61 एंड सेक्शन 62 के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, या फिर कोई भी ग्रुप हो या फिर कुछ भी हो शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो मेन कंटेंट है उस कंटेंट पे आते हैं। आज की टॉपिक जो है ये टॉपिक है सेक्शन 61 एंड सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ऊपर है। तो मैं पहले सेक्शन 61 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का डेफिनेशन जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का डेफिनेशन हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दिखने को मिला था। सेक्शन 3 में यही बताया गया गाइस कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए, वही होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझने के लिए हम लोगों को यह पहले जानना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट चीज कहते किसे हैं, डॉक्यूमेंट्स हम लोग किसे कहेंगे, कौन कौन सा चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। तो गाइज डॉक्यूमेंट्स की चीज़ होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी रिटन चीज़ हो किसी भी चीज़ पर, चाहे वो पत्थर हो या फिर कोई कुछ भी चीज़ हो, लोहा हो या फिर कुछ भी हो, प्लेटिनम हो, किसी में अगर आप कुछ चीज़ें लिख के रखेंगे, कुछ मार्क बना के रखेंगे या फिर कुछ रिटन रखेंगे या फिर कुछ फिगर आउट करके रखेंगे, कुछ साइन बना के रखेंगे, अगर ये सारे चीज़ आप स्टोर करके रखते हो किसके लिए, फॉर द फ्यूचर, अगर स्टोर करके रखते हो भविष्य के लिए, तो ये सारे चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट कहेंगे गाइज। तो डॉक्यूमेंट के समझने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एराइज हो जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या टेप रिकॉर्डर एक डॉक्यूमेंट है, क्या टेप रिकॉर्डिंग क्लिप जो होता है, रिकॉर्डिंग जो क्लिप होते हैं, क्या ये एक डॉक्यूमेंट है। तो गाइज हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट है। एक केस था राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह का सुप्रीम कोर्ट 1986 में। तो इस केस में बताया गया था गाइज कि एक टेप रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, तभी एडमिशेबल होगा कोर्ट के पास, जब वो अनएडिटेड होंगे, कुछ जिसमें कोई डॉक्टरी नहीं किया गया होगा, कोई अगर रिकॉग्निशन ठीक ठाक होगा, ये सब कंडीशंस हैं, कंडीशंस के माफिक ये ज़्यादातर बहुत सारे एग्जामिनेशंस के थ्रू ये आएंगे। अगर ये अनएडिटेबल वही होते हैं जो अनएडिटेड होते हैं, इसको एडिट नहीं किया गया। अब सेक्शन 61 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 61 में जो वन में बताया गया है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट की कंटेंट को कैसे प्रूफ करें। तो डॉक्यूमेंट की कंटेंट को प्रूफ करने के लिए आपको दो चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहला है प्राइमरी एविडेंस, दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस। तो चलिएगा इस सेक्शन 61 का एक एग्जांपल देते हैं। सेक्शन 61 में जो बताया गया है डॉक्यूमेंट का कंटेंट को प्रूफ कैसे किया जाए सेकेंडरी एविडेंस एंड प्राइमरी एविडेंस के द्वारा, तो इसका एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। समझ लीजिए कि आप कितने मार्क्स मिले हैं आपको, कि इसको प्रूफ करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप अपने मार्कशीट का इस्तेमाल करेंगे। अब मार्कशीट कैसे रहता है, मार्कशीट आपके पास रहता है एक ओरिजिनल कॉपी जिसको आप लोग समझते हैं, वो एक रहता है, यूनिवर्सिटी के पास एक रहता है, वेबसाइट में एक अपलोडेड होता है। तो ये जो कई तरीके से रखा जाता है डॉक्यूमेंट को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी एविडेंस के तौर पे आपको प्रेजेंट कर सकते हैं आप कोर्ट के सामने कोई किसी डॉक्यूमेंट की कंटेंट को प्रूफ करने के लिए। जैसे कि आपको मार्क्स प्रूफ करना हो, आप कितने मार्क्स मिले हैं आपको, ये प्रूफ करने के लिए आपको मार्कशीट को ला के प्रेजेंट करना होगा, तभी आपको जो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो गाइज चलिए ये था सेक्शन 61 के बारे में। अब सेक्शन 62 यानी कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। तो सेक्शन 62 में जो बताया गया है प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, प्राइमरी एविडेंस को समझने के लिए दो क्लॉज यहाँ पे यूज़ किया गया है सेक्शन में, जो कि पहला एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। तो एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स जो होते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझे कि एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स कैसे होते हैं। समझ लीजिए गाइस कि एक टाइटल डीड होता है, या फिर कुछ भी अगर डीड कर रहे हो आप, दलील कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी का, किसी लैंड का, कहीं किसी का भी, तो क्या होता है कि उसमें एक ही पेज नहीं होता, कई सारे पेज होते हैं, और जो सारे पेज में आप लोगों को साइन करना पड़ता है। तो आप जो डॉक्यूमेंट पे, आप जो पेपर पे, जो आप पार्ट पे आप साइन कर रहे हो, सारे के सारे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। एक यहाँ पे चीज़ एक समझ लीजिए कि एग्जीक्यूट करना मतलब आप सिग्नेचर कर दिया, तभी अपने जो सिग्नेचर कर रहा है वही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप अगर हर पेज पे सिग्नेचर कर दी, मतलब कि आपने उसको हर पार्ट को एग्जीक्यूट किया हुआ हो, तो ये जो चीज़ होता है, तो हर एक पार्ट
क्या होगा, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस की तौर पे सबमिट किया जाएगा कोर्ट के सामने। तो गाइज यही है पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। तो एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट का एग्जाम्पल मैं एक और तरह इजी एग्जाम्पल दे देता हूँ, न्यूज़पेपर। आप समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर क्यों यहाँ पे एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर एक ही सोर्स से अगर आ रहे हों, सेम प्रोसेस से अगर बन रहे हों, तो उन सारी चीज़ों को प्राइमरी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो। जैसे कि अगर आप सोच लीजिए कि एक प्रेस है जिसमें 1 लाख न्यूज़पेपर छपते हैं हर दिन, तो वो जो 1 लाख न्यूज़पेपर छपते हैं तो उसका उसका हर एक कॉपी आपको प्राइमरी एविडेंस के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोल रहा है काउंटर पार्ट, मतलब आप हर पार्ट को एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस आप कोर्ट के सामने सबमिट कर सकते हो। शायद मैं आप लोगों को सेक्शन 61 और सेक्शन 62 को समझा पाया हूँ, और आगे की एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो कि सेक्शन 63 के ऊपर होगा, जो कि सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो सेकेंडरी एविडेंस थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में बोरिंग सा फील होगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर पसंद आया, मेरा इन्फॉर्मेशन जो है उससे आप खुश हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए हो स्पेशल, कुछ वीडियो कुछ टॉपिक पे, या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों के, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा रिप्लाई जल्द से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।